पत्थरों के साइज को देख के मुझे अपने सर को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी, तो इसलिए मैं अपने हाथ को ऐसे रख के अपने चश्मे और सर को बचाने की कोशिश कर रही थी और मैं एक्चुअली डॉज कर रही थी पत्थरों को, पर उसी समय मुझे एक पत्थर लग गया। और ये तो जब तक वो हमारे पास नहीं पहुंचे थे, जब सबके हाथ के पत्थर खत्म हो गए तब मैंने देखा कि वो चार्ज करने लगे। और जब चार्ज करते हुए आए और अपनी लाठी को अपने स्टिक को खूब घुमा रहे थे और घुमाने के लिए ऐसे कर करके एक्शन से, फिर मेरे नज़दीक भी आकर वो गुजर गए कुछ तो सामने वाले, परंतु बाद के एक ने तो बहुत कस के घुमा कर मुझे पैर में मारा वो, और फिर उसके बाद भी वो मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी आई एम अ टीचर इतना ही मैं बोलती रही। और फिर अंत में भी टुवर्ड्स द एंड भी किसी ने मुझे दोबारा एक स्टिक से मारा, और फिर जब सारे ख़त्म हो गए और मेरे आगे और कोई नहीं था, तब मैंने पीछे पलट के देखे, तभी मैं मुड़ कर देखी और तब मैंने देखा शोगाते और ज़मीन पे पड़े हुए थे और उनको एकदम से पीटा जा रहा था। मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात ये है कि जब उनको पीटा जा रहा था और उनके वो गिर गए थे, उनके चेहरे पर जब लाइट आया तो एक ने कहा अरे ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, और दूसरे ने भी कहा ये वो नहीं है, देन तीसरे ने कहा ये नहीं है वो छोड़ो, उसके बाद वो छोड़ कर गए हैं उसको। तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड अबाउट दिस कि किस तरह मॉबलिंचिक टाइप की सिचुएशन बन चुकी है ये तो मुझे लगता है कि आइडेंटिफाई करके, किसी किसी को आइडेंटिफाई करके ही उनको कंसर्टेड अटैक करना का प्लान मुझे लगता है, क्योंकि मेरे सामने ये जो दो फैक्ट्स हैं उसको बस जोड़कर कंक्लूड कर रही हूँ। आई डोंट नो इफ देयर इज एनीथिंग अदरवाइज, पर मुझे आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस जिनको एक्सटर्नल इंजरी नहीं हुई। मुझे थोड़ा भी नीचे लगता या थोड़ा भी ऊपर बोन्स में लगता तो हो सकता है फ्रैक्चर हो सकता,